शेषरे नइला चीन पूर्व लद्दाखे चली भारत और चीन मध्य चली उत्तेजन ह्रास घटी। गत काली दुई देशर लेफ्टिनेंट जनरल स्तरीय आलोचना बेले ड्रैगन पूर्व लद्दाखर गलवान घाटी निकटर निज सेना को प्रत्याहार करने राजी हो। गत सप्ताह गलवान घाटी रे चीन सेना सहित होता बिवाद रे 20 जन भारतीय जवान शहीद होते। एथसत चीन रो 40 रु अधिक सेना निहत हो सूचना मिलता। एही घटना परे उभय देश मध्य तिक्तता शिखर में पहुंचला जहार समाधान पर गत काली चीन रो मोल्डोरे सेना अधिकारी आलोचना होता। आलोचन जून 6 राजीनामा को पालन करने निष्पत्ति भारत पक्षर स्पष्ट भाव एलएसी परिस्थित मे 5 तारीख भली होगा उचित अर्थात भारत पक्षर चीन निज सीमा को फेरवा उचित बोली स्पष्ट भाव कही। Another meeting at the lieutenant level in eastern Ladakh is being held. It has started in the morning. In fact, if you look at the June 6th meeting, in fact India had conducted that meeting in an unprecedented manner, in the sense it is the first time that lieutenant had attended a border personnel meeting. And after 6th June meeting, all the actions which are going on till 15th, all of them actually get covered up or can be seen as a treachery and deception by PLA what they did in 15 June. And on 15-16 night in Galwan area, Indian Army replied them very, very strongly. And we had martyrs, 20 soldiers and the commanding officer, and on the side of the Chinese there have been much more. सेबडे आजी सीमा सुरक्षा और भारत चीन उत्तेजना स्थिति ने वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर चीन एवं रूस रो वैदेशिक मंत्री को सह वर्चुअल बैठक करछंती। वर्तमान स्थिति रे शांति प्रतिष्ठा करी एक अस्थाई विश्व श्रृंखला गठन करबा उपरे वैदेशिक मंत्री जोर देथले। We helped keep some key supply chains open to both your countries, one through the Persian corridor and the other across the Himalayan hump. If Indian personnel were conferred the order of the Red Star, the medical mission led by Dr. Kotnis was a legend in China. So tomorrow, when our military contingent marches through the Red Square, it would be an affirmation of the difference that we made. When victors met to fashion the ensuing global order, the political circumstances of that era did not give India due recognition. This historical injustice has stood uncorrected over the last 75 years, even as the world has changed. सेबडे भारत चीन सह थिबा 3500 किलोमीटर लंबा सीमा रे सामरिक नियोजन को अधिक जोरदार करिछि। भारतीय वायुसेनार फाइटर जेट घाटी उपरे घन घन चक्कर काटुछंती। चीन को टक्कर देवा पाई सेना एहार स्वतंत्र पार्वत्य बाहिनी को लद्दाख गलवान घाटी को पठाई। एथसह सीमार सेनार संपूर्ण प्रस्तुति को तदारख करने को लद्दाख में पहुंची स्थल सेना मुख्य एमएम नरावणे। चीन रो प्रतारणा पर भारत एथर पूरापूरी सतर्क हो जाएगी। चीन पटु कौन सी बदमाशी हेले सेना पक्षर कार्यानुष्ठान निर्देश जारी हो सारी। भारत एही अंचल रे अत्याधुनिक मशीन गन पाई एवं युद्ध विमान को मध्य नियोजित करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट द ऑर्गस.इन।